नहीं, मैं बता रहा हूँ, इनको पता नहीं है जेपीएससी के बारे में। जेपीएससी का रिजल्ट हुआ अभी, आप लोग कवर किए हैं। जेपीएससी हुआ कैसे नहीं, 5 साल से नहीं हुआ था, लेकिन 2.5 साल में हुआ और रिजल्ट भी दिया गया, रिजल्ट भी दिया गया पहली बार। दूसरी बात, राजभवन में जो 24-48 घंटे की बात कही जा रही है, 4 दिन से भ्रम में घूम रहे हैं लोग। अगर राजभवन पूरी तरह से सक्रिय है और जिस तरह से राजभवन की छवि को धूमिल करने का प्रयास हो रहा है, आप सब जानते हैं लगातार मीडिया में किस तरह की खबरें आ रही है कि महामहिम जी के पास पत्र आ गया है, महामहिम जी पत्र रखे बैठे हैं, तो निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि आज महामहिम जी को मीडिया के सामने आप जितने सवाल हमसे पूछते हैं, अगर राजभवन और चुनाव आयोग से पूछे होते तो शायद देश भर की मीडिया रांची में यूं ही नहीं घूम रही होती, हमें घूमने पे मजबूर नहीं करता। मेरा सवाल है जी, क्या सरकार मीडिया से चल रही है, झारखंड सरकार वो सिर्फ मीडिया पे एक्शन लेती है, क्या मीडिया पे पिकनिक करने जाती है, राजभवन से कोई कम्युनिकेशन आपको है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। ये तो बात आप राजभवन से भी पूछ सकते हैं। नहीं, इसलिए परेशान है कि आप लगातार हमको कवर कर रहे हैं। आप लगातार बिल्कुल राजभवन पे सवाल इसलिए है कि आप राजभवन के माध्यम से चल रहे हैं, आप एक ट्विटर बाज के ट्विटर से चल रहे हैं। दुर्भाग्य है कि आप जैसे लोग, सभी लोगों ने, बड़े बड़े मीडिया चैनल्स ने चलाया कि हम छत्तीसगढ़ में हैं। जब हम अपने घरों में सो रहे होते हैं तो मीडिया चैनल्स कहती है कि हम छत्तीसगढ़ में हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ, आप बिल्कुल गए, हाँ क्यों नहीं जाएंगे, हाँ क्यों नहीं जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। लेकिन आप जो खबर चला रहे थे कि छत्तीसगढ़ चले गए, रात में हम घरों में सो रहे थे, दुख होता है, रायपुर के होटल्स खाली हो गए, हम तो आपके बीच है, लगातार आपसे बात कर रहे हैं। सरकार मीडिया पे चल रही है? नहीं नहीं सर, नहीं, सरकार मीडिया पे नहीं चल रही है। मीडिया जो है सरकारी, जो कहते हैं केंद्र सरकार के जो लोग हैं, जो एक ट्विटर करते हैं, मीडिया उनके पीछे पीछे चलने लगती है। नहीं, हम लोग लगातार बैठक करेंगे, हम लोग लगातार बैठक करेंगे, ठप नहीं है, सारे काम हो रहे हैं, सारे काम हो रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये डिबेट नहीं है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।